Hello students, today we are here with our next lecture of life processes. हम nutrition के बारे में discuss कर रहे थे और हमने leaf और chloroplast के structure के बारे में देख लिया था. That is the site of photosynthesis. Now come to the mechanism of photosynthesis. Short introduction हम इसका देखने वाले हैं क्योंकि इसके बारे में detail हम class 11th में study करेंगे. The process of photosynthesis completes in the two steps. That is light reaction and dark reaction. Next one is dark reaction. As the name indicates, that light reaction requires light, that is sunlight. ठीक है, light reaction के अंदर हमें light की requirement है. This process takes place in the presence of light. Dark reaction में light की कोई requirement नहीं है, लेकिन ऐसा भी नहीं है कि ये डार्क में होती है. लाइट प्रेजेंट है तो भी हो जाएगी, और डार्क प्रेजेंट है यदि लाइट नहीं है तो भी ये प्रोसेस कंप्लीट हो जाती है. ठीक है, तो इसके लिए लाइट की रिक्वायरमेंट नहीं है, बट इन लाइट रिएक्शन लाइट इज नेसेसरी. ठीक है, लाइट रिएक्शन में जो एक मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रोसेस हमारे पास होती है, द क्लोरोफिल प्रेजेंट इन द क्लोरोप्लास्ट एब्जॉर्ब्स द सनलाइट एंड यूज दिस लाइट फॉर द फोटोलिसिस ऑफ वॉटर. जो इंपॉर्टेंट प्रोसेस है दैट इज फोटोलिसिस ऑफ वॉटर. वॉटर मॉलिक्यूल का फोटोलिसिस. फोटोलिसिस, फोटो मीन्स लाइट एंड लिसिस मीन्स ब्रेक डाउन और स्प्लिट अप. तो यहां पर लाइट की प्रेजेंस में वॉटर मॉलिक्यूल की स्प्लिटिंग होती है. ठीक है, जब वाटर मॉलिक्यूल की स्प्लिटिंग होगी तो ऑक्सीजन हमारे पास प्रोड्यूस होती है, साथ में कुछ प्रोटॉन्स एंड अ पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आर देयर, ये हमारे पास प्रोड्यूस होंगे जो कि हमें एनर्जी सिंथेसाइज करके देते हैं. दैट एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ एटीपी एंड सम रिड्यूस्ड एंजाइम्स आर ऑल्सो देयर. दीज रिड्यूस्ड एंजाइम एंड एटीपी, इनसे जो एनर्जी जनरेट होने वाली है, दैट एनर्जी इज यूज्ड इन डार्क रिएक्शन फॉर द सिंथेसिस ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स विद द हेल्प ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड गैस. ठीक है, तो फर्स्ट रिएक्शन जो हमारे पास होने वाली है दैट इज फोटोलिसिस ऑफ वाटर मॉलिक्यूल. दिस इज वाटर मॉलिक्यूल, इट विल ब्रेक डाउन इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट ना, दैट इज द फोटोन्स. ठीक है, लाइट की प्रेजेंस में इसका ब्रेकडाउन होगा और हमारे पास आएंगे टू प्रोटॉन्स एंड टू इलेक्ट्रॉन्स एंड ऑक्सीजन गैस विल बी लिबरेटेड. सिंगल वाटर मॉलिक्यूल जब हमारे पास होता है तो उस टाइम पर हमारे पास एटॉमिक ऑक्सीजन रिलीज होती है, दैट इज कॉल्ड एज नेसेंट ऑक्सीजन. ठीक है, यदि हमारे पास एक वाटर मॉलिक्यूल का यूज हम करते हैं तो वन एटम मींस हाफ मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन इज लिबरेटेड. इफ द वाटर मॉलिक्यूल्स आर टू, देन मल्टीप्लाई दिस रिएक्शन बाय टू. दीज आर फोर प्रोटॉन्स, फोर इलेक्ट्रॉन्स एंड अ मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन इज सिंथेसाइज्ड. हमें पता है जितने भी एटमॉस्फेरिक गैसेस है दे आर प्रेजेंट इन देयर मॉलिक्यूलर फॉर्म. ठीक है, एक्सेप्ट इनर्ट गैसेस. तो यहां पर हमारे पास सिंगल वाटर मॉलिक्यूल से एक एटम ऑक्सीजन का बनने वाला है, दैट इज कॉल्ड एज नेसेंट ऑक्सीजन. जब हम वाटर मॉलिक्यूल, टू वाटर मॉलिक्यूल्स लेंगे तो हमारे पास ऑक्सीजन के एक मॉलिक्यूल का सिंथेसिस होता है. ठीक है, तो यहां पर हमारे पास जो एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन का सोर्स है दैट इज वाटर, नॉट द कार्बन डाइऑक्साइड. कार्बन डाइऑक्साइड गैस में भी ऑक्सीजन प्रेजेंट है, बट इट इज नॉट लिबरेटेड ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस. जो ऑक्सीजन लिबरेट हो रही है वो ऑक्सीजन कहाँ से लिबरेट होती है, लाइट रिएक्शन में, और वाटर मॉलिक्यूल से वो ऑक्सीजन लिबरेट होती है. ये जो प्रोटॉन्स और इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पर रिलीज हुए हैं, दीज आर हाईली एनर्जी रिच पार्टिकल्स एंड दीज पार्टिकल्स आर यूज फॉर द सिंथेसिस ऑफ एटीपी. एटीपी मीन्स एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, which is the energy currency of the cell.
ठीक है, जब तक हमारे पास लाइट रिएक्शन नहीं होगी डार्क रिएक्शन नहीं होती है, ठीक है, क्योंकि यहां पर जो एटीपी जनरेट होगा, जो एटीपी यहां पर जनरेट हो रही है, दिस एनर्जी इज यूज्ड इन द सिंथेसिस ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स ड्यूरिंग डार्क रिएक्शन। तो फर्स्टली द लाइट रिएक्शन विल टेक्स प्लेस। तो यहां पर जैसे ही लाइट रिएक्शन हमारे पास होती है, एनर्जी सिंथेसाइज हो चुकी है, प्रोटॉन्स एंड इलेक्ट्रॉन्स हमारे पास जो थे वो रिमूव हो चुके हैं और एनर्जी रिच पार्टिकल्स इन्होंने बना दिए हैं। नेक्स्ट रिएक्शन जो आती है हमारे पास डार्क रिएक्शन। ड्यूरिंग डार्क रिएक्शन रिडक्शन ऑफ CO2 विल टेक्स प्लेस। रिडक्शन ऑफ CO2 एंड सिंथेसिस ऑफ कार्बोहाइड्रेट दैट इज ग्लूकोज। क्लियर, कार्बोहाइड्रेट का सिंथेसिस होगा और कार्बोहाइड्रेट का रिडक्शन होगा और ग्लूकोज का हमारे पास सिंथेसिस होगा। जो एनर्जी इसके अंदर यूज होगी वो एनर्जी कहां से आएगी, जो हमने लाइट रिएक्शन में जनरेट की है, ठीक है। तो लाइट रिएक्शन में जो एनर्जी जनरेट हुई है दैट एनर्जी इज यूज्ड इन डार्क रिएक्शन फॉर द सिंथेसिस ऑफ ग्लूकोज। ये जो एक साइक्लिक प्रोसेस है एंड इट इज द एंजाइमेटिक प्रोसेस। सो मेनी एंजाइम्स आर इन्वॉल्व्ड इन दिस प्रोसेस और जो एंजाइम्स इस प्रोसेस के लिए चाहिए दैट एंजाइम्स आर प्रेजेंट इन द स्ट्रोमा ऑफ क्लोरोप्लास्ट। तो जो क्लोरोप्लास्ट का स्ट्रोमा है उसमें फोटोसिंथेसिस के डार्क रिएक्शन के लिए रिक्वायर्ड एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं और वहां पर वो रिएक्शन कंप्लीट होती है। क्लियर, तो रिडक्शन ऑफ CO2 होगा। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एज C3 साइकिल। ठीक है, CO2 रिडक्शन से जो कार्बोहाइड्रेट फॉर्मेशन की प्रोसेस है दैट इज कॉल्ड एज C3 साइकिल। इस साइकिल को माल्विन केल्विन नाम के साइंटिस्ट ने डिस्कवर किया था, दैट्स व्हाई इट इज आल्सो कॉल्ड एज केल्विन साइकिल। C3 साइकिल हम इसे क्यों कहते हैं, क्योंकि यहां पर जो फर्स्ट स्टेबल प्रोडक्ट बनने वाला है कार्बन डाइऑक्साइड के रिडक्शन से, जो फर्स्ट स्टेबल प्रोडक्ट बनता है दैट इज 3 कार्बन कंपाउंड। ठीक है, ये 3 कार्बन वाला कंपाउंड है, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड एज C3 साइकिल। क्लियर, तो यहां पर जो 3 कार्बन वाला कंपाउंड बनता है दैट इज फॉस्फोग्लिसरिक एसिड, इट इज 3 कार्बन कंपाउंड, इसलिए हम इसे C3 साइकिल कहते हैं। इसके अलावा कुछ प्लांट्स ऐसे हैं जिनकी लीव्स में कुछ हमें मॉडिफिकेशंस देखने को मिलते हैं, जिन मॉडिफिकेशंस की वजह से वहां पर C4 साइकिल रन करता है। C4 साइकिल या C4 प्लांट्स हम उन प्लांट्स को इसलिए कहते हैं क्योंकि वहां पर जो फर्स्ट स्टेबल प्रोडक्ट बनता है दैट इज 4 कार्बन कंपाउंड विच इज कॉल्ड एज ऑक्सैलो एसिटिक एसिड। ठीक है, तो ये जो C3 और C4 कंपाउंड्स हैं या C3 C4 साइकल्स जो हैं, इनके बारे में हम क्लास 11th में डिटेल पढ़ने वाले हैं। यहां पर हमें से एक शॉर्ट इंट्रोडक्शन देखना है। यहां हमारे पास डार्क रिएक्शन कंप्लीट हो जाती है और डार्क रिएक्शन कंप्लीट होने के साथ ही फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस भी कंप्लीट हो जाती है। फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस में अब यदि हम स्टार्टिंग से एंड तक देखें, ठीक है, तो क्या क्या चेंजेस हमें फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस में देखने को मिले हैं, ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछते हैं, तो हमें इसके बारे में देखना है। द क्वेश्चन इज व्हाट आर द चेंजेस टेक्स प्लेस ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस इन द प्लांट्स। फर्स्ट इंपॉर्टेंट चेंज दैट इज एब्जॉर्प्शन ऑफ सनलाइट बाय क्लोरोफिल। ठीक है, तो फर्स्ट चेंज तो क्या हुआ, क्लोरोफिल ने सनलाइट को एब्जॉर्ब किया। सेकंड इज कन्वर्जन ऑफ लाइट एनर्जी इनटू द केमिकल एनर्जी, लाइट एनर्जी इनटू द केमिकल एनर्जी। क्लियर, थर्ड वन इज इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट एब्सॉर्ब्ड बाय क्लोरोफिल द प्रोसेस विच इज कंप्लीटेड इज फोटोलिसिस ऑफ वॉटर मॉलिक्यूल। क्लियर,
वाटर मॉलिक्यूल के फोटोलिसिस से ऑक्सीजन गैस एटमॉस्फेयर में लिबरेट होती है, और इसके अलावा यहाँ पर जो हमारे पास नेक्स्ट प्रोसेस होती है दैट इज कार्बन डाइऑक्साइड रिडक्शन। तो CO2 रिडक्शन एंड सिंथेसिस ऑफ ग्लूकोज और कार्बोहाइड्रेट, दीज आर द चेंजेस दैट टेक्स प्लेस ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस। यहां पर जो ऑक्सीजन गैस लिबरेट होती है ना, द सोर्स ऑफ दिस ऑक्सीजन इज H2O मींस वाटर, एंड द सोर्स ऑफ फूड इज कार्बन डाइऑक्साइड गैस, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड के रिडक्शन से ही फूड हमारे पास बनेगा। अब ये जो ऑक्सीजन गैस लिबरेट हो रही है इट रिलीजेस थ्रू द स्टोमेटा। जो स्टोमेटा हमारे पास प्रेजेंट है, कम टू द स्ट्रक्चर ऑफ स्टोमेटा, स्टोमेटा छोटे पोर लाइक स्ट्रक्चर है जो मेनली हमें लोअर एपिडर्मिस की सरफेस पे देखने को मिलते हैं, ठीक है। दीज स्टोमेटा आर सराउंडेड बाय गार्ड सेल्स। इस तरह से यदि हम स्टोमेटा देखें तो ये है हमारे पास स्टोमेटा, दीज स्टोमेटा आर इट इज द स्टोमेटल पोर जो सेंटर में आपको दिख रहा है, दिस इज द स्टोमेटल पोर, ठीक है। ये है हमारे पास स्टोमेटल पोर। इसके अलावा जो बाहर हमने ड्रॉ किया है बी शेप्ड, दीज आर द गार्ड सेल्स। इसके बाहर की साइड हमें देखने को मिलती है, ये जो हमें बाहर की साइड देखने को मिल रही है दीज आर द सब्सिडरी सेल्स, क्लियर। तो ये बाहर की साइड है, दीज आर सब्सिडरी सेल्स। क्लोरोप्लास्ट, ये जो हमारे पास गार्ड सेल्स हैं, दीज गार्ड सेल्स कंटेन देयर न्यूक्लियस, तो न्यूक्लियस यहां पे प्रेजेंट है। इसके अलावा गार्ड सेल्स के अंदर क्लोरोप्लास्ट भी प्रेजेंट होता है, दिस इज द स्टोमेटल क्लोरोप्लास्ट, ये है स्टोमेटल क्लोरोप्लास्ट। और सेंटर में जो है ये हो गया स्टोमेटल पोर, ये हमारे पास हो गया है स्टोमेटल पोर। ये स्ट्रक्चर है हमारे पास स्टोमेटा का, दिस इज द कंप्लीट स्टोमेटा। यहां पर जो ये वॉल है, द वॉल ऑफ गार्ड सेल विच फेसेस द स्टोमेटल पोर, स्टोमेटल पोर की साइड जो इसकी वॉल है इट इज कंपेरेटिवली थिकर देन द अपोजिट साइड। ये वाली वॉल थिन है और जो स्टोमेटल पोर की साइड इसकी वॉल है दैट इज थिकर वॉल, क्लियर। तो दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ स्टोमेटा। जो डेजर्ट प्लांट्स होते हैं उनमें हमें नाइट ओपनिंग स्टोमेटास मिलते हैं, दे आर कॉल्ड एज सनकन स्टोमेटास। उनके अंदर गार्ड सेल्स जो होती है ये डंबल शेप्ड होती है, क्लियर। तो दिस इज ऑल अबाउट द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। इन आर नेक्स्ट वीडियो वी विल डिस्कस अबाउट सम एक्सपेरिमेंट्स which means that is explain that oxygen is liberated during photosynthesis, carbon dioxide is consumed, ठीक है। तो इनके लिए कुछ experiments हैं, इन experiments के बारे में हम अपने next video में बात करेंगे। Thank you very much.